हुदूद हरम का एक दायरा है, हुदूद हरम के बाहर हिल का दायरा है और हिल के बाहर मीकात का दायरा है और मीकात के बाहर जो है वो आफाक होता है। वो रसूलुल्लाह पे कचरा फेंकती थी, बात कहते हैं मक्के में थी। अब मैं पूछता हूँ ऐसे नादानों से कि भाई वो रहती थी मक्के में, कचरा फेंकने ताइफ कैसे आ गई? वो बुढ़िया के अंदर इतनी ताकत थी कचरा फेंकने, रहती थी मक्के में, कचरा फेंकने यहाँ पर आ गई। मुकद्दस घर के अंदर मौजूद है जहाँ पर हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा रहा। अब आइए इस मकाम के हवाले से चंद बातें मैं आपकी गोश गुजार कर देता हूँ। देखिए हदीस में साहब की बख्शिश फरमा और दीगर जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें दुआओं के लिए कहते हैं, कहती हैं या अल्लाह उनके तमाम नेक जायज मकाम। अक्सर इस बात को लोग गलत तरीके से ताइफ की ज़ियारात के अंदर कई लोग बयान करते हैं। वो कहते हैं जनाब मस्जिद रसूल के सामने दो पहाड़ है, वो कहते ये दो पहाड़ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं ताइफ में हाजिर हूँ कि यहाँ वो बुढ़िया रहती थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका करती थी। पहली बात तो मैं ये बता दूं भैया कि हदीस की किताबों में बुढ़िया का जो वाकया है ये कहीं नहीं मिलता। उलमा इस वाकये के रद्द करते हैं कि ये वाकया किताबों में नहीं है, ये मन घड़त वाकया है, मुंह दर मुंह लोगों के जरिए से ये आम हुआ है। कोई बुढ़िया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कचरा नहीं फेंकती थी। अगर ऐसी रिवायत है तो यूट्यूब चैनल मेरा मौजूद है, फेसबुक है, मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे भी बता दें कि वो कौन सी किताब है जिस किताब में बुढ़िया कचरा फेंकती थी। भाई ये बता दें, मेरे में इल्म में इजाफा होगा। ये मनघड़त वाकया है। और फिर बताते हैं कि यहाँ बुढ़िया थी, वो रसूलुल्लाह पे कचरा फेंकती थी, बात कहते हैं मक्के में थी। अब मैं पूछता हूँ ऐसे नादानों से कि भाई वो रहती थी मक्के में, कचरा फेंकने ताइफ कैसे आ गई? वो बुढ़िया के अंदर इतनी ताकत थी कचरा फेंकने, रहती थी मक्के में, कचरा फेंकने यहाँ पर आ गई। तो आवे का आवाही बिगड़ा हुआ, लोग भी नहीं सोचते कि बताने वाला आलम दीन है, दीनी इल्म कितना रखता है, कितना पढ़ा लिखा आदमी है, किस तरह की बातें कर रहा है, तहकीक कहाँ की है, किस किताब से ये वाकया लिया है। लोगों को परवाह नहीं, बस बता देते हैं ये चीज़ है, वीडियो बनाई शेयर कर दिया। क्या है भाई, वीडियो बनाई शेयर कर दिया। तो देखिए गलत बात अगर आप पहुंचाएंगे तो गलत मैसेज जाएगा, सच्चे वाकयात आप बयान करेंगे तो आपके लिए सदकाए जारिया होगा। तो तमाम जो लोग यहाँ पर आते हैं मक्के में, मदीने में, ताइफ में, तो भाई हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि आप जिसको अपने साथ लेकर आते हैं ना, कम से कम उनका इल्मी मयार भी चेक कर लें कि कितना दीनी इल्म रखता है, क्या मकामात के हवाले से भी इल्म है उसको, क्या तारीख़ किताब का भी मुताला करता है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसों के साथ जाइए, वरना किसी ऐसे को तलाशिए कि जो सही मानों में पढ़ा लिखा बंदा हो, जो तारीख़ मकामात मुकद्दसा के हवाले से इल्म रखता हो, जो सही मैसेज आप तक पहुँचे और आपकी वीडियो के अंदर सही मालूमात जमा हो। जाहिर आप वीडियो तो बना लेते हैं, शेयर भी करेंगे उसको, अगर उसने गलत बात बताई है, गलत रिवायत बताई है, तो गलत रवायतें आम होती रहेगी। और आदमी सच्चा है और सही बात बता रहा है तो आपके लिए सदकाए जारिया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अलबत्ता यह है कि कोई ज्यारत वारत नहीं है, पुराने ज़माने में कोई यहाँ पर गरीब गुरबा थे, उनके मकान दरों दीवार बने हुए, लोग आते हैं कहते बुढ़िया कचरा फेंकती थी, इस हवाले से भी मैंने वजाहत कर दी है, ऐसा कोई वाकया नहीं। फैज ले लो जल्द के दिन 30 का मेहमान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। अब आइए इस मकाम के हवाले से चंद बातें मैं आपकी गोश गुजार कर देता हूं। देखिए हदीस में आया कि दो मोमिनों की मां हुजूर के साथ थी, दो खेमों के दरमियान सरकार नमाज पढ़ते थे, क्योंकि बनु सकीब से फेस टू फेस लड़ाई नहीं हो रही थी, ये डटे तो थे, इस्लाम को सफ़ हस्ती से मिटाने की तो प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सहाबा की जब टीम आई तो ये बुजदिल हो गए और कलों के दरवाजे बंद कर लिए, और कलों के अंदर जो सुराखें बनी हुई थी उन सुराखों के जरिए से गर्म गर्म सलाखें जो है वो सहाबा पे फेंकते थे, कई सहाबा कराम के पैरों की रख कट जाती है। इसी जंग में हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, जिनके पैर की रग कट चुकी थी, मदीने चले गए थे, जख्म सही भी हो गया था, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो जख्म दोबारा ताजा हुआ, फटा और आपने जामे शहादत नोश कर ली। हमारा बनु सकीब ने रसूलुल्लाह को और सहाबा किराम अली रिदवान को बहुत सताया, बहुत तकलीफ में थे, क्योंकि लड़ाई मुकाबले की उस वक्त होती है जब दुश्मन बिल्कुल सामने हो। अगर कोई जमीन से लड़ता है और सामने वाला आसमान से फाइट करता है तो यह मुकाबले की लड़ाई नहीं होती, और यह लड़ाई तूल पकड़ लेती है, बहुत ताखिर होती है और मामला अच्छे नहीं होते। तो मामला यह था कि सहाबा जमीन पे थे, ये छत के ऊपर से सलाखें फेंका करते थे। अब
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया क्या किया जाए, सहाबा ने किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोमड़ी अपने बिल में जा चुकी है, अगर हम कोशिश करें तो ये बाहर आ सकती है, छोड़ दिया जाए तो नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहासरा खत्म कर दिया जाए। मुहासरा जब खत्म हो गया, सहाबा जब आगे बढ़े ना, तो सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू सकीफ के लिए बद्दुआ कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करीमाना शान है, हुजूर ने हाथ तो बुलंद किए लेकिन बद्दुआ के लिए नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब करीम की बारगाह में अर्ज की, मौला बनू सकीफ को हिदायत दे और इन्हें मेरे पास भेज दे। जमाने ने वो देखा, वो दुआ ऐसी कबूल हुई कि हुजूर मदीने तो पहुंचे, पीछे पीछे बनू सकीफ भी चले गए मदीने, और हुजूर का दीन कबूल करके जब वापस आए बनू सकीफ, तो इन्होंने देखा था कि इस मकाम पे दो उम्मुल मोमिनीन के खेमे नसब थे, तो उन्होंने इसी मोहब्बत में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, चूंकि हुजूर यहां नमाज भी पढ़ते थे, उन्होंने एक मस्जिद बनाई और मस्जिद का नाम रखा मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे ताइफ में एक ही मस्जिद है मस्जिद रसूल, और मोमिनों के लिए ज्यारतगाह है। तो आइए हम इस मस्जिद की ज्यारत करवाते हैं। और बाज लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से बनाई, तो मैं उन नलायकों से पूछता हूँ, उन नादानों से पूछता हूँ कि पहले इस्लाम है कि पहले मस्जिद है? हमें भाई होश के नाखून लो, पहले इस्लाम है फिर मस्जिद है। हुजूर जब आए तो बुत परस्ती होती थी, कुफरिस्तान था ये ताइफ, तो मस्जिद कहां से आ गई? गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों के बारे में बोलो, समझ में आता है मस्जिद कहां से आ गई? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयाम जब खत्म हुआ तो मदीने चले गए। तो मस्जिद बनाने के हवाले से हदीस की किसी किताब में जिक्र नहीं आता, ये मस्जिद बनू सकीफ ने बनाई थी, जो सहाबी थे उन्होंने बनाया था, लेकिन आशिकाने रसूल की बनाई हुई मस्जिद है। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, दुआ गो की मौला ताला जो गलत बयानियां करते हैं अल्लाह उनको भी हिदायत दे, और यकीनन जो भी ताइफ आएगा एक बार मेरी वीडियो देख लेगा ना तो सही बयान करेगा, गलत फहमियों से बचा रहेगा, और जो गलत फहमियों में आकर गलत बयानियां कर रहे हैं हो सकता उनकी भी इस्लाह हो जाए। सवाब के लिए से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि जो गलत बयानियां करते हैं ताइफ की ज़ियारत के हवाले से उनकी इस्लाह हो सके। अल्लाह पाक दारैन की दौलतों से हमें भी आपको भी नवाजे, और बार बार काबा और मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए कुछ मनाजिर हम दिखाते हैं मस्जिद के अंदरूनी के। फैसले लो जल्द के दिन तीस का मेहमान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ रमजान है, आ गया रमजान है, नाज़रीन ये मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ के हवाले से बहुत सारी बातें बताई, और इसी के बैक साइड में ये वो पत्थर है जिसके हवाले से बताया जाता है। और सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इस वक्त हम आदिल ताब भाई के साथ उस मुकद्दस घर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा रहा करती थी। दो तीन घर यहाँ पर आपकी तरफ मंसूख किए जाते हैं। ये वही पूरी मुकद्दस वादी है जिस वादी में रसूल कायनात साहिब अलौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 6 साला बचपने का अरसा गुज़रा है। जो बचपने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात हुए हैं वो कई कमालात इस इलाके के हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक होना, हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बकरियों को शेर उठा के लेके चला गया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ ले गए और शेरों को सदा लगाई, फिर एक बूढ़ा शेर आया, बहुत सारे शेर आए पहाड़ के गारों के अंदर से, एक बूढ़ा शेर आया जिसके मुँह में हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की बकरी के कान दबे हुए थे। हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कर रहे थे वो तो बात हमें समझ में आ रही थी, लेकिन जो शेर बात कर रहे थे वो हमें समझ में नहीं आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ मेरी वालदा की बकरी तुम क्यों उठा के लेकर गए? शेर ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी क्या औकात, हमारी क्या मजाल, हम कैसे ये काम कर सकते थे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? असल बात यह है कि कई दिन हो गया था आपका दीदार हम जानवरों ने किया नहीं था, हम देखने के लिए बेकरार थे, हमारी आंखें तरस गई थी, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए थे बचपने की हालत में ना, तो इन्होंने कहा कि आपको हम देखने के लिए
हम आपको देख नहीं पा रहे थे, हमारी आंखें तरस गई थी, तो हम जानवरों ने आपस में मशवरा किया कि हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला की बकरियां उठा लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद छुड़ाने आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, ये तो दीदार का एक बहाना था। दाई हलीमा जाग उठे, तेरे बड़े नसीब गोदी में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वादी में रहा करते थे, बकरियां भी चराते थे, सीना मुबारक चाक हुआ, इन पहाड़ों ने, इन पत्थरों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, इन फ़जाओं ने हुजूर को देखा है, इस ये चाँद और सूरज, ये सितारों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, धूम ज़र्रों में अना शम्स की पड़ जाती है, हो जिधर से भी गुजर चांद हमारा करता। आलत फरमाते हैं, गुजरे जिस राह से वो सिद्दे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार इन वादियों से वाबस्ता है। अलबत्ता ये है कि यहाँ पर इसमें मकानात नहीं हैं, जो दौरे कदीमा में लोग थे यहाँ से कूच कर गए, तो एक एक करके इस वादी से लोग रुखसत हो गए। और करीबी बनी साद, ये बनू साद है, यहाँ से करीबी बनी साद है, बहुत बड़ा कस्बा, एक छोटा सा शहर भी है, और यहाँ से मुत्तसिल एक गांव भी है जहाँ पे तकरीबन 60-70 मकानात होंगे, लेकिन ये वादी बिल्कुल इस वक्त सुनी है। बस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद यहाँ वाबस्ता है, और एक आशिकान रसूल के लिए ये काफ़ी है कि हुजूर के कदम यहाँ लगे हैं, हुजूर की यादगार वाबस्ता है। मकान हो या ना हो, लोग हो या ना हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें इस वादी से वाबस्ता है, बनू साद में हाजिर हैं। शायर कहते हैं, कर के इशारा सोना सूरज नु मोड़दा, आपे चन जोड़ता ते आपे चन तोड़ता, बिगड़ी बनावे मेरे आका दा इशारा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है कि जब हुजूर झूले के अंदर जो है वो सोए हुए थे, कभी चांद मशरिक की तरफ जा रहा है, कभी मगरिब की तरफ जा रहा है, कभी बाएं कभी दाएं, चांद हिल रहा था, तो मैंने चांद की तरफ देखा, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र गई तो हुजूर खेल रहे थे, और हुजूर की उंगली मुबारक का इशारा जिस तरफ होता था उस तरफ चांद झुक जाता था। अच्छा, इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के मकान पर यहाँ के लोग जमा हो जाते और कहते, हलीमा सादिया ये तो बता, तेरे घर में पूरी रात रोशनी रहती है, एक नूर की शमाएं निकलती हैं जिससे अतराफ़ के मकानात भी रोशन हो जाते हैं। हलीमा तो कौन सा चिराग घर में जलाती है, आखिर वो कौन सी शह तेरे घर के अंदर जिससे तेरा घर पूरी रात रोशन रहता है। हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मेरे घर में ना कोई ऐसा चिराग है, ना इतना तेल है, ना ऐसा कोई इंतज़ाम है कि पूरी रात मैं रोशनी करूँ, ना मेरे पास इतना माल है, ये सब इस बच्चे की बरकत है। वो बच्चा कौन सा था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं, कैदिए हलीमा मुख वेख लज पाल दा, लब के लिया वा की तू सोना तेरे नाल दा, लब के लिया वा की तू सोना तेरे नाल दा, दीद मेरे नबी दी है रब दा नजारा, दीद मेरे नबी दी है रब दा नजारा, कसम खुदा दी मैनो सब नाल प्यारा। पंजाबी कलाम था, पढ़ने की कोशिश की है, इस दयार की अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए, अल्लाह करीम बार 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 इस दयार की हाज़री कराए, और दुनिया भर में बचने वाले उन आशिकाने रसूल को दुआ देता हूँ कि जो लोग तड़पते हैं वीडियोस देख के दुआओं के लिए, कहते हैं ज़ुबैर भाई दुआ करें कि हम भी इन मकामात पे आपके साथ सफ़र करें, मैं आपके साथ हूँ या ना हूँ, लेकिन अल्लाह पाक आपको इन प्यारे प्यारे मकामात का दीदार कराए, प्यारा प्यारा काबा, मीठा मीठा मदीना दिखाए। इबादत पर कमर अब बांध लो, फैसले लो जल्द के दिन 30 का मेहमान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान। इबादत पर
कमर अब बांध लो, फैसले लो जल्द के दिन तीस का मेहमान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान, इबादत पर कमर अब बांध लो। नाज़रीन, मीकात कानून मनाजिल पे जो आलीशान मस्जिद का तामीर है, जहाँ पर उस शकान रसूल एहराम की नियत करते हैं और दो रकत नमाज अदा करते हैं, फिर यहाँ से शहर मक्का की तरफ वो कूच कर जाते हैं, और ये आम मकाम नहीं है। तारीख़ इस्लाम का बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या यहाँ पर रुनुमा हुआ है, इंशाअल्लाह मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। और मक्के मदीने में आने वाले उन आशिकान रसूल को ये पैगाम यहाँ से पहुँचाना चाहता हूँ जो खसूसी ताइफ़ की ज़ियारत के लिए आते हैं। देखें, ये बात को ज़हन नशीन कर लें, हुदूद हरम का एक दायरा है, हुदूद हरम के बाहर हिल का दायरा है, और हिल के बाहर मीकात का दायरा है, और मीकात के बाहर जो है वो आफाक होता है, यानी जो भी पांच बड़ी मीकातों के बाहर रहते हैं लोग वो आफाकी कहलाते हैं। ज़ुल्हुलैफ़ा एक मीकात मदीने की, इर्क और अजोफ़ा, और इसी तरह मीकात कननुन मनाजिल और यलमलम मीकात, ये पांच बड़ी मीकातों के बाहर रहने वाले आफाकी कहलाते हैं। अब मक्के से कोई ताइफ आ गया, मीकात क्रॉस कर गया वो, तो अब वो आफाकी हो गया। अब जब भी वो मीकात के अंदर आएगा, जब भी मीकात के अंदर वो हरम की नीयत से आएगा, इस बात को जहन नशीन कर ले कि उस पर एहराम लाजिम होगा। अगर वो एहराम नहीं बांधता है तो उस पर दम लाजिम आएगा। कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं जनाब हमने पीर साहब से पूछ लिया है, तो पीर साहब ने कहा है कि जब नीयत नहीं है तो आ जाइए, कोई आप पर एहराम लाजिम नहीं, कोई दमशम नहीं होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पीर साहब आलम दीन है ना, और आलम दीन के साथ साथ उम्र हज के मसाइल पर अबूर रखते हैं, फिर तो अपने पीर की बात मानिए बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ना मानिए, किसी मुफ्ती साहब से रब्ता कर लें, किसी जानकार बंदे से राबता कर ले जो सही मानों में हज व उम्रे के मसाइल पर उबूर रखता हो, इल्म रखता हो। वरना यहाँ अगर ऐसे पीर साहब हैं जो आलम दीन नहीं हैं, तो पता चला हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो पीर साहब ने पूरे पूरे बसों के ऊपर दम लागू करवा दिया है, दम वाजिब करवा दिया है, और वो ढीठ मुरीद वहीं के वहीं रहे, ना किसी ने एहराम बांधा, ना उन पर दम आया उनके नज़दीक, जबकि सब पे दम आ चुका था। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं किसी के तरफ किनाया के तौर पर भी इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, मेरे बात को आप शायद समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए कि मदीने से आने वाले पांचों बड़ी मीकातों को जो क्रॉस करके आते हैं हरम की नीयत से और एहराम नहीं बांधते हैं, उन पर लाजिम है कि वह एहराम बांधें। अगर बग़ैर एहराम मीकात के बाहर से वो अंदर आते हैं हरम की नीयत से, और अगरचे हरम में ही आना हो और हरम की नीयत से आ रहे हैं, तो उन पर दम हो जाएगा अगर वो बगैर एहराम के आते हैं तो।